वैद्यकीय क्षेत्र में अनेकों उपचार पद्धति विकसित हो रही है, लेकिन बीमारी का जड़ से इलाज और पर्सन एज अ होल, इन दो तत्वों पर होम्योपैथी आज अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। इसी के साथ होम्योपैथी के बारे में बड़े पैमाने पर होने वाली जनजागृति की बदौलत साधारण वर्ग से लेकर अभिजात वर्ग तक सभी प्रकार के लोग आज होम्योपैथी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। विश्व भर में आज होम्योपैथी क्षेत्र में माहिर संशोधक अपने संशोधन तथा अनुभव की बदौलत एक और अनेक रोगियों को स्थायी बीमारियों से मुक्त कराकर उन्हें सामान्य तथा स्वस्थ जीवन व्यतीत करने में सहायता कर रहे हैं। तो दूसरी ओर बड़े पैमाने पर होम्योपैथी के बारे में जनजागृति भी कर रहे हैं। होम्योपैथी जगत के ऐसे ही एक शख्सियत मॉडर्न होम्योपैथी के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार माने रोगियों का आत्मविश्वास निर्माण कर उन्हें दुर्लभ बीमारी से निजात दिलाकर एक सुखी सामान्य जीवन की प्राप्ति कराने का उद्देश्य लेकर पिछले 22 वर्षों से अथक संशोधन और रोगियों पर यशस्वी उपचार कर रहे हैं। डॉक्टर विजय कुमार माने इन्होंने अपने वैद्यकीय कार्य की शुरुआत एक लेक्चरर के रूप में की, साथ ही पारंपरिक उपचार पद्धति से चिरकालिक माने जाने वाली बीमारियों पर निरंतर संशोधन कर अपने अनुभव तथा उपचार के माध्यम से मॉडर्न होम्योपैथी की क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इस सामान्य और आसान परंतु दुर्लभ बीमारियों से छुटकारा दिलाने वाली उपचार पद्धति का निर्माण किया। 22 साल पहले बोए हुए इस पौधे का आज महाराष्ट्र, गोवा के साथ 12 क्लिनिक्स के माध्यम से देश विदेशों के रोगियों को लाभ मिल रहा है। मॉडर्न होम्योपैथी की क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की निर्मिति डॉक्टर विजय कुमार माने इनके निरंतर संशोधन, इनके अनुभव तथा उपचार के माध्यम से हुई है। दिन ब दिन इसमें नए संशोधन के चलते कैंसर, किडनी फेलियर, लीवर सिरोसिस, मधुमेह, अस्थमा, अस्थि रोग जैसे अनेक चिरकालिक बीमारियों पर डॉक्टर विजय कुमार माने का संशोधन और इसी संशोधन पर आधारित दवाइयों का निर्माण मॉडर्न होम्योपैथी द्वारा किया जाता है। मरीज के लिए आसान ऐसी दवाइयों की किट जिसमें लिक्विड और ग्रेब्यूल्स की निर्मिति की जाती है, जिसका संचालन बहुत आसान होता है। नमस्कार, मैं हूं संपदा और आप सभी का स्वागत है हेल्दी एरा विथ मॉडर्न होम्योपैथी इस चैट शो में। इस चैट शो में हम अलग अलग बीमारियों के बारे में बात करेंगे और होम्योपैथी द्वारा उन पर किए जा रहे इलाज के बारे में भी बात करेंगे। और आज इस चैट शो की शुरुआत में आज हम बात करेंगे पुणे की पद्मिनी वाकचौरे जी की ओरल कैंसर इस केस के बारे में। इसके बारे में जानेंगे खुद पद्मिनी जी से कि उनके ट्रीटमेंट का उनका कैसा अनुभव रहा। पद्मिनी वाकचौरे, उम्र 57 साल, पुणे में रहने वाली। उनको 2017 में मुंह में गांठ हुई थी। जांचने पर एक्सपर्ट्स को पता चला कि गांठ कैंसर की है, मतलब उनको मुंह का कैंसर है। मुझे 2012 से बोलने में थोड़ी परेशानी रहने लगी। 2012 में मैंने नामी अस्पताल में डॉक्टरों को दिखाया। मेरे मुंह में जख्म हुआ था जिससे बोलने में तकलीफ हो रही थी। तब रिपोर्ट्स में थोड़ा फिर कैंसर का संदेह हुआ। ट्यूमर को विख्यात सर्जनों के द्वारा निकाल दिया गया। कीमो और दूसरे कई उपचारों के बाद उनको काफी आराम मिला। उसके बाद सच में इनको ज्यादा परेशानी नहीं हुई, लेकिन एक 4-5 सालों के बाद उन्हें उसी जगह डिटेक्ट हुआ मुंह का कैंसर। लेकिन 2017 में वो वापस बीमार हुईं और ट्यूमर फिर से दिखाई दिया। उनको हर वक्त गले में खारिश और बोलने में परेशानी रहने लगी। 2017 में उनको फिर से परेशानी होने लगी। दोबारा मुंह का आना, जुबान में जलन होना, बोलने में परेशानी होना, गले में जलन होना, ये सारी परेशानियां फिर से होने लगी।
उन्होंने जुलाई 2017 में मॉडर्न होम्योपैथी क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लेना शुरू किया। हम जब डॉक्टरों को मिले तब उन्होंने हमें कुछ जांच करवाने को कहा, MRI, सिटी स्कैन वगैरह। जांच करने के बाद उन्होंने हमें कहा कि दोबारा वही परेशानी शुरू हुई है जो डिटेक्ट हुई है। तब डॉक्टर ने कहा कि आप हमारी दवाई शुरू कर दो, उससे आपको हमेशा के लिए अच्छा हो जाएगा और काफी फर्क पड़ेगा। उनकी जुबान का दर्द उपचार करने के बाद कम हुआ और उनके गले की खराश ठीक हो गई। अब वो ठीक से बोल सकती थी और ठीक से खाना भी खा सकती थी। अब मेरी माँ को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, उनका रूटीन एकदम ठीक ठाक हो गया है। मुंह में जलन होना, गले में जलन होना, ये जो कुछ परेशानियाँ उन्हें होने लगी थी वो सारी परेशानियाँ अब पूरी तरह से ठीक हो गई है। अप्रैल 2018 के रिपोर्ट्स के हिसाब से उनके मुंह का कैंसर खत्म हो चुका है। मेरे रोज के काम ठीक से कर पाती हूँ और अब तो मुझे याद भी नहीं है कि मुझे ऐसे कोई बीमारी थी। इनकी दवाइयों से मुझे काफी फर्क पड़ा। इस माध्यम से मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि जिनको भी इस तरह की बीमारी हो उन्हें जरूर डॉक्टर विजय कुमार माने की हॉस्पिटल में जाकर इस बीमारी का उपचार करवाना चाहिए, क्योंकि इनके उपचार का कोई दुष्प्रभाव नहीं है। पद्मिनी वाघचौरे अब पहले की तरह अपने काम कर सकती है। अब उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। मॉडर्न होम्योपैथी क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के उपचार के बाद एक खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है हेल्दी एरा विद मॉडर्न होम्योपैथी इस चैट शो में। और अभी हमने देखा पद्मिनी जी के बारे में, उनकी ट्रीटमेंट के बारे में उनसे जाना, और अब इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं डॉक्टर सुमंतिनी नरवणे जी से, जिन्होंने अपना MD कंप्लीट किया मुंबई से और आज वो मॉडर्न होम्योपैथी के नागपुर ब्रांच हेड है। सुमंतिनी जी, अभी हमने देखा कि पद्मिनी जी के बारे में और ओरल कैंसर के बारे में उनके जो अनुभव थे उनसे जाने, पर सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि ओरल कैंसर एग्जैक्टली होता क्या है। बेसिकली ओरल कैंसर के बारे में अगर हम बात करें तो ओरल मतलब जो हमारा मुंह का जो एरिया होता है जिसे मौखिक गुहा कहते हैं, यूजुअली ओरल कैविटी कहते हैं इंग्लिश में उसे, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। तो वो ओरल कैविटी में जब कोई अल्सर और प्रोलिफरेटिव ग्रोथ विजिबल होती है, मतलब नजर, अल्सर मतलब छाला और प्रोलिफरेशन मतलब बहुत बड़ा, तो एक बड़े साइज का छाला आप इमेजिन कर सकते हो जो हील ही नहीं होता, बढ़ते ही जाता है और फिर जैसे जैसे समय जाता है तो उसका एक गांठ के रूप में रूपांतर होता है, तो उसे हम ओरल कैंसर यूजुअली कहते हैं। अगर डायग्नोसिस कंफर्म करना है तो हम बायोप्सी का भी हेल्प लेते हैं। और ओरल कैंसर में जो इंक्लूजन्स रहते हैं, मतलब किस किस चीज, क्या क्या चीज़ का कैंसर हो सकता है, तो उसमें होंट है, जबान है, सॉफ्ट और हार्ड पैलेट जिसे हम तालू भी कहते हैं, गालों का अंदर का जो अस्तर कहते हैं जिसे बकल कैविटी कहते हैं, वो जबड़ा, निचला जबड़ा, गले का टॉन्सिल्स तक का एरिया, ये पूरा हमारा ओरल कैविटी होता है। तो इस कैविटी में अगर किसी भी तरह का अल्सर प्रोलिफरेटिव ग्रोथ या ऐसे छाले जो जल्दी से रिकवर नहीं हो रहे हैं, भर नहीं रहे हैं, तो उसे हम ओरल कैंसर कह सकते हैं। और जैसे अभी आपने बताया कि वो छाला होता है जो बढ़ता ही जाता है, उसका साइज बढ़ते जाता है, वो कम नहीं होता है, तो ऐसे अगर शुरुआत कहीं किसी को लगती है तो तुरंत उन्होंने आकर कैंसर का टेस्ट कराना जरूरी होता है। एग्जैक्टली, देखिए कैंसर में यूजुअली क्या होता है, एक प्री कैंसरस फेज होता है और एक एक्चुअल कैंसरस फेज होता है। तो अगर प्री कैंसरस फेज में ही उन्होंने उनके सिम्टम पहचान लिए, आज हम उसी बारे में बात करेंगे कि क्या सिम्टम यूजुअली होते हैं, तो जो सही समय में सही वक्त में अगर वो इलाज करते हैं तो आने वाला जो बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है उसे हम काफी हद तक कंट्रोल में कर सकते हैं और अवॉइड कर सकते हैं। जी, जैसे आपने बताया कि ओरल कैंसर होता क्या है, लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ओरल कैंसर जो है वो मतलब किस एज ग्रुप में होता है और उसके कारण क्या होते हैं। बेसिकली कारण की अगर हम बात करें तो कारण तो कॉमन ही होते हैं सभी आजकल, और एज ग्रुप की बात करें तो ये युवा अवस्था वाले हैं, मतलब जो यंग कॉलेज गोइंग है या अभी आजकल तो स्कूल गोइंग्स भी है, युवा अवस्था में ज़्यादातर ये देखा जाता है, नेसेसरी नहीं है, और पुरुषों में ज़्यादा देखा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये महिलाओं में नहीं रहता है। कारणों में अगर हम देखें तो तंबाकू का सेवन, तंबाकू के सेवन की वजह से फीमेल्स यूजुअली मशेरी लगाती है, फीमेल्स या मेल्स, जो गाँव के साइड की फीमेल्स होती है
मशेरी का यूज, उन्हें मशेरी से जब तक के दांतों को साफ नहीं करते तब तक के उन्हें एक हैप्पीनेस की फीलिंग नहीं आती है। सिगरेट स्मोकिंग की वजह से, अल्कोहल कंजम्पशन ज्यादा, अगर कोई शराब पी रहा है उसके वजह से भी, चैनी, खर्रा, गुटखा, जो ये सारी चीजें खाने की वजह से ओरल कैंसर होने के चांसेस है। और अगर कोई ये चीजें नहीं खा रहा है इसके बावजूद भी उन्हें ओरल कैंसर अगर दिखता है, तो हो सकता है कि अगर आपने प्रॉपर डेंचर्स नहीं लगाए होंगे तो इट माइट बी अ कॉज बिहाइंड दैट, वो भी एक कॉज हो सकता है ओरल कैंसर का। ओके, मतलब कुछ चीजें जिन्हें हम बहुत ही आसान समझते हैं अपनी जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में होती है, लेकिन वो भी कितना हमें नुकसान पहुंचा सकती है, ये इस बात से पता चलता है। अब आपसे वही जानना चाहूंगी कि जो थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी कि सिम्टम्स क्या होते हैं ओरल कैंसर के, क्या लक्षण है इसके? लक्षण जैसे कि मैंने कहा कि अल्सर और प्रोलिफरेटिव ग्रोथ, हम प्री कैंसरस लक्षण हम पहले जान लेते हैं कि क्या होता है। जो प्री कैंसरस, मतलब अगर कोई तंबाकू का सेवन कर रहा है, गुटखा, छैनी, ये सब चीजें खा रहा है, या फिर सुपारी भी, अगर कोई सुपारी भी खाता है और उससे कंटिन्यू अगर मुंह में अल्सरेशंस आ रहे हैं, या फिर जबान पे या मुंह में किसी जगह पे सफेद कलर का, जिसे चट्टा कहते हैं, डार्क सा आ जाता है, उसे ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं हम लोग, अगर ल्यूकोप्लेकिया विजिबल है तो इट माइट बी, वो हो सकता है कि वो प्री कैंसरस के सिम्टम हमें दिख रहे हैं पेशेंट को। उसके साथ ही अगर कोई क्रॉनिक टोबैको, क्रॉनिक मतलब जो कंटिन्यू खाते या एक साल से ज्यादा खा रहे हैं, है ना, ऐसे क्रॉनिक टोबैको च्यूअर अगर कोई है और उनको अगर मुंह खोलने में दिक्कत हो रही है, मतलब हमारी जो ये तीन उंगलियां होती है, इन तीन उंगलियों को इस तरह से मुंह में इंसर्ट करना पड़ता है, और अगर वो मुंह खोलने में दिक्कत हो रही है तो भाई आपको चांसेस है, आपको एक सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस करके एक टर्म होती है, वो अपने बॉडी में सेट इन हो रही, उन्होंने समझ जाना चाहिए। लेकिन बेसिकली ऐसा होता है कि जितने पेशेंट्स अपने नागपुर ब्रांच में भी जो पेशेंट्स हैं उनकी जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो वो यही कहते हैं कि मैडम तंबाकू खाते थे, बीच में थोड़ा सा मुंह खुलना बंद हो गया था, लेकिन फिर मैंने 2-3 महीने तंबाकू खाना बंद कर दिया और फिर मेरा वापस से हो गया, तो मैंने फिर से तंबाकू शुरू कर दिया। मतलब नेग्लिजेंस, ध्यान इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, बातों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। इवन बहुत से जो पेशेंट गरीब स्लम एरियाज वगैरह में ज्यादा टोबैको चेविंग देखा जाता है, तो उन लोगों को भी जब बहुत ज्यादा छाले आने लगते हैं फिर भी वो क्या करते हैं, मल्टीविटामिन ले लेते हैं, ऐसे लगता है कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, लेकिन नहीं, वो नेग्लिजेंस की वजह से वो कैंसर में रूपांतर हो जाता है, फिर कैंसर को कैंसर मतलब डिप्रेशन। हाँ, और अगर कोई इलाज वही नहीं है, है ना, कि आप अगर जल्दी ध्यान नहीं देते तो वो बढ़ता ही बहुत फास्ट है, काफी बढ़ता है। जो ओरल कैंसर होता है उसे इनक्योरेबल टर्म दिया है मेडिकल टर्मिनोलॉजी ने, इसलिए क्योंकि ओरल कैंसर बहुत ही रैपिडली बढ़ता है। अगर पेशेंट को पहले महीने में सिम्टम है तो दूसरे तीसरे महीने में पेशेंट का इतना प्रॉब्लम बढ़ जाता है कि वो मुंह तक नहीं खोल पाता और पूरा मुंह उसका भर जाता है ट्यूमर से, कि वो खाना तक नहीं निकल पाता है। और ओरल कैंसर में यूजुअली पुनरावृत्ति होती है। अगर किसी का सर्जरी, कीमो, रेडियोथेरेपी करके आपने ट्रीट भी कर दिया तो भी आफ्टर 5-6 मंथ उसे रिकरेंस के चांसेस होते हैं। रिकरेंस, पुनरावृत्ति, बार बार आता है ओरल कैंसर। मतलब वो ठीक होता है तो भी थोड़ी देर के लिए या कुछ दिनों की बात है, उसके बाद होने के चांसेस रहते जी, हैं जी। तो अब आपसे कि जैसे किसी को अगर ओरल कैंसर होता है तो उसका निदान किस तरीके से किया जाता है? ओरल कैंसर का निदान करना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम लोग जो एग्जामिनेशन है, पेशेंट का एग्जामिनेशन, जैसे मैंने आपको कहा ल्यूकोप्लेकिया दिख रहा है, अल्सर और प्रोलिफरेटिव ग्रोथ, मतलब अल्सर तो आपको समझ में आ ही गया है, प्रोलिफरेशन मतलब गोभी का फूल जिस तरह से होता है उस तरह का प्रोलिफरेशन रहता है, प्रोलिफरेशन मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ा हुआ, उसे अल्सर और प्रोलिफरेशन कहते हैं। ऐसा ग्रोथ मुंह में दिखता ही है तो समझ में ही आता है कि हाँ पेशेंट को तो 100% कैंसर है ही, लेकिन फिर भी उनका बायोप्सी करते हैं हम लोग, बायोप्सी करके उनका निदान, एक्चुअल निदान कर सकते हैं। और उसके साथ साथ सिर्फ ट्यूमर के साथ ही लिम्फ नोड्स भी होते हैं, लिम्फ नोड्स जाते हैं, वो लिम्फ नोड्स का भी साइज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए सिटी स्कैन ओरल कैविटी का, या फिर PNS जिसे कहते हैं, उसका सिटी स्कैन भी किया जाता है। मतलब एक छोटी सी चीज आपकी जिंदगी को कहां से कहां पहुंचा सकती जी, है जी। आप अपने शौक के लिए कुछ चीजें इस्तेमाल करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए और उसका एक रिजल्ट इस तरीके से भी आता है। एग्जैक्टली। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे उपचार की जो पारंपरिक एक लाइन ऑफ कंट्रोल कह सकते हैं या ये होता है, तो वो उसका विकल्प क्या है?
उपचार के बारे में अगर अभी तक के जो भी था, मतलब जो बचपन से लेके अभी तक के हमने जो देखा, वो एक ही है कि कैंसर डायग्नोस हो गया कि आपको सर्जरी करके वो पोर्शन निकाल के फेंक देना है, और फिर आपको कीमो और रेडियोथेरेपी लेनी हो. पोर्शन निकाल के फेंक देना मतलब अगर किसी को ज़बान का कैंसर होता है तो ज़बान तक काट दी जाती है, राइट. अगर किसी, या फिर जबड़े का होता है तो आधा जबड़ा तक निकाल दिया जाता है पेशेंट का, गाल निकाल दिया जाता है कि मतलब अब वहाँ पे कैंसर लग गया उसे निकाल के फेंक दो. आपको एक डिसेबिलिटी आती है उसके वजह से, और कीमो और रेडियोथेरेपी यूजुअली ये तीन अभी फ़िलहाल तो जो एक्टिव बोलते हैं लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, ये अभी काफ़ी एक्टिव है. और उसके साथ ही अगर हम देखा जाए तो विकल्प मॉडर्न होम्योपैथी का मैं दे सकती हूँ, क्योंकि हमारे नागपुर ब्रांच में सबसे ज़्यादा, जितनी भी मॉडर्न होम्योपैथी की ब्रांचेस है उसमें नागपुर ब्रांच में सबसे ज़्यादा कैंसर के केसेस है, सबसे ज़्यादा. और ओरल कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा है हमारे पास. सो जो भी केसेस हमारे पास आते हैं, जैसे अब हमारे एक पेशेंट है यवतमाल के, मोइस खान करके पेशेंट है, ये पेशेंट का जो है 3 बार रिकरेंस हुआ है. इन्होंने एक बार सर्जरी की, दूसरी बार फिर से उन्होंने, फिर अब सर्जरी को तो स्कोप नहीं रहा, फिर से उनको नीचे के जबड़े का कैंसर था, फिर से उनको कैंसरस ग्रोथ दिखा, तो फिर उन्होंने कीमो रेडियो लिया, और थर्ड टाइम कीमो रेडियो लिया. फिर पेशेंट कहीं तो हार जाता है, वो नहीं ले सकता, उसको सहन ही नहीं होता. फिर बाद में पेशेंट को इसी तरह से छोड़ दिया जाता है कि ये सह नहीं पाएंगे, इनको जैसे वैसे हाल पे छोड़ दो, राइट. लेकिन ऐसे जहाँ पे इनक्योरेबल वर्ड आ गया उसके आगे मॉडर्न होम्योपैथी का है क्योरेबल. यस वी कैन क्योर यू. हमने काफ़ी केसेस को क्योर भी किया है, और जैसे मैंने मोइस खान का आपको एग्जांपल बताया है, तो मोइस खान को सुरंग बन गया था यहाँ से नीचे से, मतलब जो भी वो खाते थे वो पूरा नीचे से निकल जाता था, क्योंकि उन्हें जबड़े का कैंसर था. कैंसर ऐसे ही करता है, जिस भी पोर्शन पे आता है, अगर गाल में होता है तो वो गाल में सुरंग कर देगा, है ना, उसे फिस्टुला कहते हैं. तो वैसे सुरंग आती है तो पेशेंट को, मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ भी पेशेंट का बहुत ही ड्रास्टिकली अफेक्ट होता है, और उसी के साथ साथ वो खाते थे तो निकल आता था. तो मॉडर्न होम्योपैथी का मेडिसिन उन्होंने जनवरी 2021 में स्टार्ट किया, और फरवरी 2021 में सुरंग भर गया. पेशेंट जो मिक्सर में नाक से नली डाल के लेते थे, मिक्सर में पीस के उनके वाइफ उनको देते थे, तो वो उनके वाइफ ने बोला कि अभी फरवरी में मैडम आधी चपाती खा रहे हैं, और मार्च में पेशेंट 1.5 चपाती अपने हाथ से दाल चपाती खाते थे. ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है. एग्जैक्टली. क्योंकि इस तरीके से कि जहां आप उम्मीद छोड़ देते हैं एक पेशेंट के तौर पर, उनकी फैमिली भी सपोर्ट करेगी तो कितना करेगी. एग्जैक्टली. वो भी कहीं ना कहीं हार चुके होते हैं, और ऐसे इसमें से 1 महीने के भीतर, ये तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई आपके लिए. हमारे पास ऐसी काफ़ी सक्सेस स्टोरीज हैं, मतलब मोइस खान तो सिर्फ मैंने एक उदाहरण दिया, लेकिन मोइस खान के साथ साथ मेरे कितने तो भी, मतलब हमारे मॉडर्न होम्योपैथी के बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो बहुत अच्छी विदाउट सर्जरी, विदाउट कीमोथेरेपी बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं. मतलब कह सकते हैं कि मॉडर्न होम्योपैथी एक उम्मीद की किरण है उन लोगों के लिए जिन्हें कैंसर नाम की बीमारी ने जकड़ लिया है. मैम, अभी आपने सारी जो जानकारी दी वो तो ओरल कैंसर के बारे में थी ही, पर अब आपसे जानना चाहती हूँ कि जो पद्मिनी जी है पुणे की, जिनकी केस हमने अभी देखी, उनकी ट्रीटमेंट के बारे में, कि वो काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है केस, तो उसके बारे में कि उन्हें कैसे ट्रीट किया गया और किस तरीके से उन्हें इस सारे ओरल कैंसर से निजात मिला है. जैसे कि मैंने आपको कहा कि ओरल कैंसर इनक्योरेबल है और उसमें रिकरेंस, पुनरावृत्ति की जो टेंडेंसी रहती है, तो पद्मिनी जी के साथ भी ऐसा ही हुआ. वो 57 ईयर्स, मतलब 57 ईयर ओल्ड लेडी है जो जॉब भी करती है अभी भी करती है. तो उन्हें ऐसा ही हुआ, उन्होंने सर्जिकली उनका जो है सर्जिकल इंटरवेंशन किया गया, उनको कीमोथेरेपी दी गई, रेडियोथेरेपी दी गई, लेकिन उसके बाद भी उनको फिर से रिकरेंस हुआ. रिकरेंस होने के बाद फिर पेशेंट के पास क्या ऑप्शन होता है, सर्जरी तो ऑलरेडी हो चुकी है, अब क्या करेंगे, फिर से कीमोथेरेपी. मतलब ये कभी, ये जो चैन है ये कभी एंडलेस चैन है, एकदम एंडलेस चैन. तो उन्होंने फिर, मतलब जो है 2012 में उन्हें हुआ था, सो 2017 में उन्होंने हमारे पास अप्रोच किया. वो मॉडर्न होम्योपैथी के पास आए ट्रीटमेंट लेने के लिए. उनका प्रॉपर डिटेल केस चेकिंग हुआ, जो सिटी स्कैन के रिपोर्ट वो लेके आए थे, तो सिटी स्कैन के रिपोर्ट में उनके जबान पे अल्सर था. उनकी जबान पे अल्सर के साथ साथ लिम्फ नोड्स थे, और जो अल्सर और प्रोलिफरेटिव ग्रोथ थी जबान पे, उसका जो साइज था वो भी 2.6 × 1.7 सेंटीमीटर का था. मतलब आप लोगों ने 10 सेंटीमीटर का स्केल देखा
बैठा ही होगा, तो उसमें जो उसका हाफ 5 सेंटीमीटर और 2.6 सेंटीमीटर मतलब इतना इतना तो भी था, मतलब काफी बड़ा था एक जबान पर बोलने से। जब जबान पे एक सिंपल सा छाला ही आता है तो हम खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, जलन होती है। तो ये पेशेंट को भी सेम यही कंप्लेन थी, पेशेंट बात तक नहीं कर पाता था, बात नहीं कर पाता था, उनको कंटिन्यूअसली जबान में जलन होती थी, उसके साथ साथ खाना भी नहीं खा पाते थे, गले में भी दर्द होता था, कान के तरफ भी दर्द होता था, कान में, सर में, हर जगह पे दर्द हो रहा था उनको पूरा। और जब हमारे पास आए थे, फिर सिटी स्कैन ऑलरेडी वो करके आए थे, वो डायग्नोस्ट ही आए थे हमारे पास, और विथ रिकरेंस का हिस्ट्री लेके, पुनरावृत्ति की हिस्ट्री थी उन्हें, तो हमने उन्हें ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, और ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के 15 दिन में ही वो जबान हिला पाने लगे, हिला रहे थे, क्योंकि जब हमारे पास वो आए थे क्लिनिक में तो उनका यही कंप्लेन था कि जबान हिलती ही नहीं है और जबान पे कुछ सेंसेशन ही नहीं लगता। तो जब जबान हिल ही नहीं रही है तो बात कैसे करते हैं? एग्जैक्टली। सो 15 डेज में ही उनके घर से फोन आया हमें कि मैडम वो बहुत अच्छे से, उनको रिस्पांस आ गया है, जबान भी हिल रही है और खाना खा रही है। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि खाना, पेशेंट खाना ही नहीं खाएगा तो उनको और वीकनेस का शिकार होना पड़ेगा, तो वो खाना खा रही है, ऐसा उनके रिलेटिव ने हमें बताया 15 दिन में। और जब 8 महीने बाद हमने उनका फिर से सिटी स्कैन रिपीट कराया तो उसमें नो मैलिग्नेंसी करके ऐसा रिपोर्ट हमने वीडियो में भी शो किया है, नो मैलिग्नेंसी ऐसे रिपोर्ट हमने उनको दिखाया, मतलब पेशेंट विद इन 8 मंथ्स एब्सोल्युटली कैंसर फ्री हो गए, जिसमें हमने ना कोई सर्जिकल इंटरवेंशन किया, ना कोई कीमोथेरेपी, ना कोई रेडियोथेरेपी, सिर्फ मॉडर्न होम्योपैथी के जो हमारे रिसर्च बेस्ड मेडिसिन होते हैं, जो हम सब MD डॉक्टर्स ही मिलके बनाते हैं, सो वो मेडिसिन से वो एब्सोल्युटली ठीक हो गए और उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो गया और वो अपने जॉब को भी रिज्यूम हो चुके हैं। बहुत बढ़िया, क्योंकि मतलब बात नहीं कर पाना, खाना नहीं खाना है, तो जैसे एक इंसान हार चुका है कि अब क्या करना है, जिंदगी कैसे जी जाए आगे, और इतनी तकलीफ। तो आप जो कह रहे हैं कि उन्हें आपने ना ऑपरेट किया है, ना कोई रेडिएशन किया है, कुछ नहीं, मतलब हर तकलीफ से निजात मिला है उन्हें। ये आपने बहुत अच्छी चर्चा हमारे साथ की, बहुत फायदेमंद रहेगा जो लोग देख रहे हैं उनके लिए जरूर। लेकिन आपसे कहूंगी कि जाते जाते अगर कोई मैसेज, एक कोई संदेश आप अगर हमारे व्यूवर्स को देना चाहेंगे तो क्या संदेश दे? मैं तो एक ही संदेश दूंगी सबको कि सी, ओरल कैंसर का जो स्टैटिस्टिकल डेटा है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तंबाकू सिगरेट के पैकेट पे भी लिखा रहता है कि इट इज़ इंजरियस टू योर हेल्थ, उससे कर्करोग होता है, लेकिन आपको दिख रहा है वहाँ पे खतरा है और फिर भी आप खतरे के साथ खेल रहे हो, तो ऐसी गलती मत करो। जो भी कुछ बिक रहा है, एडवर्टाइजमेंट्स आ रही, जो भी कुछ हो रहा है, वो सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन हमें हमारे बारे में सोचना चाहिए कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, है ना। अगर हम विकल्प की बात करें तो हमारे पास विकल्प फिर बहुत ही बुरे बुरे विकल्प है, राइट। ठीक है, मॉडर्न होम्योपैथी का एक ऑप्शन है आपके पास के, मतलब आप सर्जरी, कीमोथेरेपी सबसे बच सकते हैं, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें होने से पहले प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जो टैगलाइन हम बोलते हैं, राइट। अगर आप बातों को सीरियसली लेना सीख जाते हैं, जो भी प्री कैंसरस चेंजेस वगैरह हमने डिस्कस किए, ऐसी चेंजेस अगर किसी को ऐसे सिम्टम्स लग रहे हैं, तो मैं तो इतना ही कहूँगी कि जो भी ये शो देख रहे हो उन्होंने अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए और उसके बारे में सोचना चाहिए। पहले सोचना सीखो तो आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाओगे। और अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो मॉडर्न होम्योपैथी हमेशा आपके लिए तत्पर है। आपको सबसे पहली बात हम डिप्रेशन से निकालेंगे, अगर आपको कैंसर होता है तो जिस चीज का आपको डर है उसे पहले निकालेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली ठीक होंगे हमारे साथ। बहुत अच्छी बात कही आपने कि कोई शौक अगर आप करते हैं तो ऐसा करें जिससे जिंदगी में कोई फायदा हो, नुकसान ना हो। आज हमने हेल्दी एरा विद मॉडर्न होम्योपैथी इस चैट शो में चर्चा की ओरल कैंसर पर। अगर आपको ऐसी कोई समस्या अपने आप में या अपने आसपास के किसी में दिखाई देती है, उसके निजात पाना चाहते हैं या उससे उसके बारे में और अधिक जानकारी जानना चाहते हैं, तो हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगली बार फिर किसी ऐसे ही विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी हेल्दी एरा विद मॉडर्न होम्योपैथी में। नमस्कार।